अगर आप अपने YouTube चैनल पर अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहे हैं लेकिन फिर भी व्यूज और सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, तो आप Google Ads के थ्रू अपने वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं। Google Ads के थ्रू वीडियो प्रमोट करने से आपके व्यूज तेजी से बढ़ेंगे और साथ ही आपको सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे। जैसे कि अगर Google Ads के थ्रू आपके वीडियो पर 10,000 व्यूज आते हैं, तो उसमें से 500 से 1,000 लोग तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही। YouTube पर जितने भी आप एड्स देखते हैं, चाहे वो वीडियो के स्टार्टिंग में हो, साइड में हो, नीचे हो, वो सब Google Ads के थ्रू ही आते हैं। सो आप भी Google Ads के थ्रू अपने वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको Google Ads के थ्रू वीडियो प्रमोट करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मैंने अपने एक वीडियो का Google Ads के थ्रू प्रमोशन किया है, तो पहले मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। जब आप Google Ads के थ्रू अपने वीडियो को प्रमोट करेंगे तो आपको भी इसी तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं, ये मेरा वीडियो है और इसको प्रमोट करने के लिए मैंने टोटल 7,755 रुपीज स्पेंड किए हैं, जिसमें मुझे 6,43,000 इंप्रेशंस मिले हैं, यानी 6,43,000 लोगों ने इस एड को देखा है, जिसमें से 11,600 व्यूज मिले हैं। यानी जिन 6,43,000 लोगों ने इस एड को देखा है, उनमें से 11,600 लोगों ने इस वीडियो को वॉच किया है। एवरेज CPV यानी कॉस्ट पर व्यू आप यहां देख सकते हैं, जैसे कि एवरेज एक व्यू पर मेरे 67 पैसे खर्च हुए हैं। नीचे आप एड पर क्लिक करके और भी डिटेल्स यहां देख सकते हैं, जैसे कि ये एड अभी एक्टिव है, इसमें मेरे इतने पैसे खर्च हुए हैं, इतने इंप्रेशंस मिले हैं, इतने व्यूज मिले हैं। इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं किन किन डिवाइसेस पर आपके एड को देखा गया है, किस डिवाइस से आपको कितने इंप्रेशंस और कितने व्यूज मिले हैं, वो सब आप यहाँ पर डिटेल्स में देख सकते हैं। सो जब आप कोई एड रन करते हैं तो इस तरह के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने वीडियो को आप Google Ads के थ्रू प्रमोट कैसे करेंगे। इसके लिए आपको अपने यूट्यूब चैनल में लॉग इन कर लेना है। इसके बाद प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, यूट्यूब स्टूडियो में जाएंगे। यूट्यूब स्टूडियो में आप कॉन्टेंट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सभी वीडियोज आ जाएंगे। जिस वीडियो का भी आप को प्रमोशन करना है, उसमें आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रमोट, इस पर आप क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब में आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फर्स्ट टाइम आपको अपना गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करना होता है, तो इसके लिए आप न्यू गूगल एड्स अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपका एक गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, अगर आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे तो आपका एड किसी दूसरे वीडियो पर शो होगा। प्रीव्यू आप यहां देख सकते हैं, इस तरह से किसी दूसरे के वीडियो पर आपका एड आएगा और उसमें इसकी पैड का ऑप्शन रहेगा। प्रीव्यू आप मोबाइल और डेस्कटॉप पर देख सकते हैं, मोबाइल पर कुछ ऐसा शो होगा और डेस्कटॉप पर कुछ ऐसा शो होगा। जबकि दूसरा ऑप्शन है, इसमें किसी वीडियो पर आपका एड नहीं आएगा, बल्कि वीडियो के नीचे इस तरह से शो होगा और साथ ही यूट्यूब होम पेज पर भी शो होगा। जैसे कि मोबाइल का प्रीव्यू आप यहां देख सकते हैं, डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे तो आप डेस्कटॉप का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। मुझे पर्सनली सेकंड ऑप्शन पसंद है, क्योंकि इसमें वीडियो पर एड नहीं आता है बल्कि वीडियो के नीचे आता है, तो जिसको भी ये वीडियो वॉच करना होगा वो इस पर क्लिक करके वॉच कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर आप एक हेडलाइन डालेंगे, जो भी आप अपने व्यूवर्स को शो करना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ पर टाइप करेंगे वो यहाँ पर शो होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक हेडलाइन डाल दी है, नीचे आपको कोई डिस्क्रिप्शन डालना होगा तो आप यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन एड कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको सेकेंड डिस्क्रिप्शन डाल देना है, तो कोई भी आप अपने वीडियो के बारे में यहाँ पर टाइप कर दीजिए। अपने एड का थंबनेल आपको क्या रखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इस तरह से एड में शो होगा। तो मैं अपने वीडियो का थंबनेल ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, किस कंट्री में आपको ये एड शो करना है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इंडिया सिलेक्टेड है, अगर आपको किसी और कंट्री में भी एड शो करना है तो आप यहाँ एड लोकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप किसी भी स्टेट या कंट्री का नाम डालकर उसको एड कर सकते हैं। नीचे आप लैंग्वेज चूज करेंगे, किस लैंग्वेज के कस्टमर्स को आप ये एड शो करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं हिंदी भी एड कर देता हूँ। आपको अगर कोई और लैंग्वेज भी ऐड करनी है तो वो भी आप यहां से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहां पर आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे, किन लोगों को आप ये ऐड शो करना चाहते हैं। अगर आप सभी को शो करना चाहते हैं तो आप यहां पर सभी को टिक कर दीजिए। एज आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे, कितनी एज वालों को आप ये ऐड शो करना चाहते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको कितने व्यूज इंप्रेशन मिल सकते हैं और आपको कितना स्पेंड करना होगा वो आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद अगर आप चाहें तो यहां पर इंटरेस्ट डाल सकते हैं कि किस इंटरेस्ट के
लोगों को आप ये एड शो करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फोटो एडिटिंग, कि जितने लोग भी फोटो एडिटर फोटो वेबसाइट्स के बारे में सर्च करे उनको मेरा ये वीडियो एड शो होना चाहिए, वो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपका वीडियो है वो इंटरेस्ट आप यहाँ पर एड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका वीडियो कुकिंग से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर कुकिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट एड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब आपको यहाँ अपना डेली बजट एंटर करना होगा कि एक दिन में आप इस एड पर कितना स्पेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक दिन में सिर्फ 200 रुपीज खर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 200 डाल देंगे। जैसे कि मैं 1000 रुपए इस पर खर्च करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं 1000 रुपीज एंटर कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, कंटिन्यूस आप अपने एड को रन करना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पर एक डेट सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप कंटिन्यूस ऑप्शन चूज करेंगे तो इसमें आपका एड कंटिन्यूस शो होता रहेगा, और अगर आपको एक एंड डेट रखनी है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, इसमें आपको एंड डेट ऐड कर लेनी है। जैसे कि जिस दिन आप ये एड सेट कर रहे हैं उससे अगले दिन से आपका ये एड शो होना शुरू हो जाएगा। कब तक आपको ये शो करना है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मुझे सिर्फ 3 दिन ये एड रन करना है तो 16 यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ एड शो होने पर आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, बल्कि आपके एड पर क्लिक करके जब कोई वीडियो को वॉच करेगा तभी आपको पैसा देना होगा। एवरेज कॉस्ट पर व्यू क्या रहेगा वो आप यहाँ देख सकते हैं, यानी एक व्यू पर आपका 20 पैसे से लेकर 74 पैसे तक खर्च होगा। तो ये सभी यहाँ पर सेटिंग करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने सभी सेटिंग्स आ जाएगी। यहाँ से आप इसको चेक करेंगे और जो भी आपको चेंज करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद एड रन करने के लिए आपको बैलेंस एड करना होगा। इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड एड कर सकते हैं, पेटीएम वॉलेट एड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो नेट बैंकिंग से भी बैलेंस एड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे नेट बैंकिंग से एड करना है तो यहाँ पर मैं नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, जैसे कि मैं 3000 रुपीज स्पेंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं 3000 डाल दूंगा। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, आपके सामने पेमेंट पेज आ जाएगा। कितना फंड आप एड कर रहे हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आप अपना बैंक चूज करेंगे, जैसे कि मैं HDFC बैंक की नेट बैंकिंग से एड करूंगा तो HDFC बैंक यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद मेक पेमेंट, उसी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप यूजर ID पासवर्ड डालकर पेमेंट कंप्लीट करेंगे। फंड एड हो चुका है, आप देख सकते हैं, कॉन्ग्रेट्स, सारा काम हो चुका है। इसके बाद आपके कैंपेन को रिव्यू किया जाएगा, इसमें 24 आवर्स तक का टाइम लगता है। इसके बाद जैसी अप्रूव हो जाएगा तो आपका एड शो होने लगेगा। एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने एड कैंपेन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है। यहाँ पर आपका एड है उस पर कितना खर्चा हो रहा है वो आप यहाँ देख पाएंगे, कितने इम्प्रेशंस और व्यूज आ रहे हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, एवरेज एक व्यू पर कितना खर्च हो रहा है वो आप यहाँ देख पाएंगे। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर डिवाइसेस देख पाएंगे कि किस डिवाइस से आपको कितने व्यूज मिल रहे हैं, और यहाँ पर आप अपना फंड देख सकते हैं। जैसे कि मैंने 3000 रुपए एड किए हैं तो 3000 रुपए यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहीं से एड फंड पर क्लिक करके बाद में भी मैं पैसे एड कर सकता हूँ और अपने एड को कंटिन्यू कर सकता हूँ। इसमें आप अपने कैंपेन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे ये लाइव हो जाएगा तो यहीं पर ग्रीन अप्रूव लिखा हुआ आ जाएगा। बाद में अगर आपको कभी भी अपने एड को रोकना है तो आप यहीं पर लॉगिन करेंगे। इसमें आप अपने कैंपेन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको पॉज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप इसको रोक सकते हैं। सो इस तरह से गूगल एड्स के थ्रू आप अपने वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं और व्यूज सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हैं। आई होप के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।